नमस्कार, मैं आपका सेवक मिहिर कोटेचा। आज 13 अप्रैल आप सभी को हिंदू नववर्ष, गुड़ी पाड़वा, बैसाखी, चैत्री बीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मुंबई में काफी दिनों बाद ड्रॉप देखा गया और करीब करीब 6600 केसेस आज मुंबई शहर में आए हैं। हमारे मुरुंड की बात करें तो पूर्व और पश्चिम मिलाकर के 309 नए केसेस आए हैं। अभी तक हम सभी को पता चल गया होगा, कल शाम 8 बजे से 15 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन हमारे मुख्यमंत्री ने घोषित कर दिया है। बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एसेंशियल सर्विसेज यह खुली रहेंगी। घर काम करने वाले आ सकते हैं कि नहीं तो आ सकते हैं। वैक्सीन को लेकर आज सुबह से थोड़ा कंफ्यूजन था, मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा। मुलुंड में अभी पश्चिम में जंबो कोविड सेंटर, पुरुषोत्तम खेरा स्थित म्युनिसिपल महानगर पालिका शाला, मुलुंड पूर्व में वीर सावरकर हॉस्पिटल और मीठागढ़ कोविड सेंटर, इन चार जगहों पर महानगर पालिका द्वारा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू है। कोविशील्ड के जो भी डोजेस हैं उसकी कोई कमतरता नहीं है, मात्र कोवैक्सीन यह पहले डोज के लिए उपलब्ध नहीं है, पर जिनका सेकेंड डोज ड्यू हो गया है उनके लिए कोवैक्सीन जंबो सेंटर में उपलब्ध है। प्री मानसून का जिनका व्यापार है उनके भी कुछ प्रश्न थे, तो प्री मानसून को भी अनुमति दी गई है, बैंक्स को अनुमति दी गई है, सब्जी फल रेस्टोरेंट्स को टेक अवे और पार्सल की अनुमति दी गई है। आने वाले 15 दिन हम सभी को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। जो भी कंफ्यूजन्स है मैं उनका उत्तर आपको समय सर देते रहूंगा। आप सभी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।